अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी वार्मली वेलकम्स श्री कुमार वाई द न्यूली इलेक्टेड कांग्रेस एमएलए फ्रॉम द 8 बामेंग एसटी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी. कुमार वाई इज एन इंडियन पॉलिटिशियन एंड अ कांग्रेस कैंडिडेट फ्रॉम द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश. He has served as Minister of Home and Urban Development in the state government from 2014 to 2019. The committee looks forward to his leadership and contribution in new term. बामिंग का यूथ को बहुत धन्यवाद देता हूं और ख़ास करके हम सोचता है विश्वास करता है ये चुनाव जो है पब्लिक का माइंडेड से चुनना चाहिए. और यूथ जो है आजकल यूथ जो है एजुकेटेड यूथ होता है और ख़ास करके हम ये बताना चाहता हूं अगर कहीं यूथ में रुपया पैसा का नशा में घूम रहा है तो रुपया पैसा का लालची में घूम रहा है तो हमारा बामिंग यूथ से सीखना चाहिए. और बामिंग यूथ को रुपया पैसा से कोई इच्छा नहीं है लालची नहीं है. इसलिए खास करके हमारा बामिंग का जितना मेरा एट बामिंग कॉन्स्टिट्यूंसी असेंबली का यूथ लोग जो है इस बार टोटली मॉरली फिजिकली मेंटली पूरा हमको साथ दिया है और ये चीज़ को बाकी यूथ भी सीखना चाहिए. नहीं बीजेपी का देखिए बीजेपी का सिर्फ लोगों का ऊपर में अरुणाचल मूड कांग्रेस जो है ये लोग काम ऐसे कर लो कि कांग्रेस को यहाँ से आता ना है. ये लोग का अपना आपको दो भरोसा है कि उन लोग का पास पावर है उन लोग का पास पैसा है तो वो दो भरोसा से बोलने से नहीं होगा वो कभी कांग्रेस नहीं आतेगा. तो इसलिए और ख़ास करके आज तो कांग्रेस में हम अकेला हैं और आउट ऑफ 60 में कम से कम 14 विधेयक ऐसे आया है कि बिना बीजेपी का है तो वहाँ का पब्लिक सपोर्टर को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ. भाई सर जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि सोशल मीडिया पर सारे टाइगर स्पेक करके टाइगर पूरा नारा लगा रहे हैं. मैंने पिछले बार जब चुनाव हारा था मुझे किसी मीडिया ने पूछा है तो मैं तो अपने आप को कभी टाइगर नहीं बोलता शेर नहीं मानता है. तो मैं लोगों के लिए पब्लिक के लिए हमेशा अपना आपको बिली जैसे समझता है. तो हमको मीडिया आप जैसे मीडिया ने मुझे पिछले साल बोला है कि टाइगर आप टाइगर हारना नहीं चाहिए. मैंने तो बोला है कि देखो शेर जो है लंबा छलांग मारने के लिए कभी कभी दो कदम पहले पीछे हटना पड़ता है. तो मैंने दो कदम पीछे हट के इस बार फिर मैं उम्मीद करता है हमको बहुत लंबा छलांग मारना चाहिए अभी मारेगा. आपका पूरा क्वेश्चन बोलिए ना. देखिए ये चुनाव में मैंने इस बीच में भी यही बोला है कि चुनाव का पहले कुछ भी बोल सकता है कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकता है क्योंकि जनता का वोट हासिल करने के लिए बोल सकता है. लेकिन मैं सोचता है पेमा खांडू एक एजुकेटेड लीडर है यूथ लीडर है वो अपना पुराना बात को अगर उस बात को दिमाग में लेके काम करेगा तो वो कैसे टीम अरुणाचल बना के चल सकता है. और देखिए जब चुनाव अभी मैं बामिंग से चुन के आया है मैं कांग्रेस से बिलोंग किया है मैं हो सकता है बीजेपी का ओपोजिशन हो सकता है लेकिन मेरा बामिंग का जनता तो कोई अरुणाचल का ओपोजिशन तो नहीं है. जो पब्लिक को हक मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए अगर उस जैसे बोला वैसे काम करेगा तो असेंबली तो है ना मेरा आवाज़ को कोई बंद नहीं कर सकता है. अभी तो हम कुछ आश्वासन नहीं दे सकता है
मैं अपना कांग्रेस परिवार को ये वादा करता हूँ और हम पार्टी के लिए अच्छा काम करेगा। देखो चुनाव जो है आज देखिए, मोदी जी बोलता है मोदी गारंटी, वो 400 से ऊपर जाएगा, लेकिन उसका भी तो अपना अभी सारा हिंदुस्तान देख रहा है। तो वैसे पॉलिटिक्स में कोई नहीं बोल सकता। अभी हम तो चाहता है कि जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है, कल को कोई भी सेम बनो, लेकिन मैं चाहता है कि सारा अरुणाचल का वो डिफरेंस में नहीं देखना, ओपोजिशन रूलिंग का डिफरेंस देखना नहीं, काम मिल के करना चाहिए। और मैं सोचता है, सबसे पहले मैंने घर वापस ही आया है, और जब से मैं कांग्रेस में आया, कांग्रेस के लिए काम किया, कोशिश किया, हमारा कांग्रेस पार्टी का लीडर लो वीकनेस है, हमने जितना सका कोशिश सपोर्ट किया। इस बार भी जितना केंद्रीय लोगों को हमने तोड़ा तोड़ो जो भी सका मदद किया है, लेकिन हमको मेरा ऊपर में पूरा बारी वो हो गया है। मैं किसी को उसके लिए मैं आपका मीडियम से जितना भी केंद्रीय लॉस हुआ है तो उन सभी को मैं क्षमा चाहता हूँ मैं, क्योंकि वहाँ पूरा फुल साथ नहीं दे पाया है। और इतना तक हम पार्टी को विश्वास दिलाता है कि हम लोग 2029 को हम सोचता है कि हम लोग ही मेजोरिटी में आना चाहिए। आपको मैंने ये कंग्रेचुलेशन देना चाहता है कि आपका मणिपुर से दो तो कम से कम हमारा लोकसभा में जीता है, तो आपको हम कंग्रेचुलेशन देना चाहता है, क्योंकि यहाँ वही है, हमारा प्रदेश में जनता का इतना अवेयरनेस नहीं है। और आप खास करके नॉर्थ ईस्ट में देखिए है, असम को छोड़ के जितना भी ये है तो कांग्रेस को सपोर्ट किया है, लेकिन अरुणाचल में पता है लोग, लेकिन यहाँ पैसा का कारण से बीजेपी ने 5 साल में, मैंने इसलिए बोला है, ये बीजेपी सरकार अरुणाचल का बीजेपी गवर्नमेंट जो है, हमारा जनता को पैसा तो दिया जरूर, लेकिन प्यार तो दिया नहीं, कोई काम तो किया नहीं। इलेक्शन में पैसा दिया है, लोगों का वोट हासिल किया है, मेजोरिटी लाया, उसको हम एक्सेप्ट करना पड़ेगा। हम कुछ भी वादा नहीं कर सकता। मैं कोशिश करेगा अपना लॉयल्टी को आगे बढ़ाने के लिए, और मेरा लीडरशिप में कांग्रेस पार्टी को और आगे बढ़ाने में वो हम कोशिश करेगा। और अरुणाचल का लोग लॉयल्टी को जानना जरूरी है, जैसे आपका आपका ये पब्लिक फ्रंट में मैं बोलना तो नहीं चाहता, फिर भी बोलना भी जरूरी होता है। हमारा वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट का जो लोकसभा कैंडिडेट भूसीराम सिरम, काफ़ी जेंटलमैन है, लॉयल्टी है, एडुकेटेड है, तो गांव सबका तो बारे में आपको सब पता है। तो हमारा लोग लॉयल्टी को देखता नहीं है, इसमें प्रॉब्लम है। हम लीडर लॉयल्टी होने से भी क्या होगा, पब्लिक उस लॉयल्टी को समझता नहीं है। मैंने बार बार बोल रहा है, हम खुद कोशिश करेगा, अच्छा प्लान करेगा, और कांग्रेस, हाँ वो देखिए उसी बात को बार बार नहीं पूछने से भी मैं भी बार बार बोलना ठीक नहीं है। और हमारा कांग्रेस, और कांग्रेस का बारे में देखिए, ये सबको पता है, हिंदुस्तान को आज़ादी लाया कांग्रेस, जितना बड़ा बड़ा इस्टेब्लिश किया है आपको सारा कांग्रेस है। इसलिए आज इस बार के इलेक्शन में देखिए, यूपी में कभी आप सोचा था तो यूपी में क्यों इतना आया है, तो क्योंकि वहाँ का लोग जान गया ना, तो इसलिए ये सिर्फ कांग्रेस को हम आगे बढ़ाएगा वो बात नहीं, जनता आगे बढ़ा, मिल के बढ़ाना चाहिए।